आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नया क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न हो। हर एक शख्स के लिए एक समत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करता है, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो, तुम जहां होगे अल्लाह तुम सब। राम की तरफ कर लिया करो, बेशुबा ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं, और तुम जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्जाम न दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम है वो इल्जाम दें तो दें, सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और यह भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और यह भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम में तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना।